हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का व्लॉग है बिग बॉस 83 और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि ये शो किसने होस्ट किया है और सलमान खान ने क्यों होस्ट नहीं किया है और इस बार बिग बॉस में कौन कौन कंटेंट्स में रहे हैं और वो कहां से आए हैं, कैसे फेमस हुआ है, वो सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो इस बार ये बिग बॉस 83 का शो है वो अनिल कपूर ने होस्ट किया है और सलमान खान ने इस बार मना कर दिया है। क्यों कर दिया उसका भी रीज़न मैं बताऊंगी और उनकी फीस कितनी है वो भी अभी बता देती हूँ। तो बिग बॉस में सलमान खान एक एपिसोड का 12 करोड़ लेते थे, जब अनिल कपूर अभी होस्ट कर रहे वो अभी एक एपिसोड का 2 करोड़ रुपए ले रहे हैं और सलमान खान ने इस बार बिग बॉस शो को होस्ट करने से लिए मना कर दिया, क्योंकि इस बार जो भी इस कॉन्टेंट में जुड़े हुए हैं वो सोशल मीडिया से फेमस हुआ है और कोई यूट्यूबर है, ऐसे ही सब छपरी लोग हैं। इसलिए सलमान खान ने मना कर दिया कि मैं ये शो होस्ट नहीं करूँगा। एक तो वड़ा पाव गर्ल है चंद्रिका दीक्षित और दूसरे अरमान मलिक है जो 2 बीबियों के साथ यहाँ पे उन्होंने स्वागत किया है, तो इनके बारे में भी बहुत कमेंट बुरी आती है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ऐसे ही वीडियो में जुड़े रहिए और किस किस ने इसमें कंटेंट्स में जुड़े हुए और वो कहाँ से है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं अरमान मलिक की बात करती हूँ, तो वो अपने 2 बीबी पायल मलिक और कृतिका के साथ यहाँ बिग बॉस में उन्होंने धमाकेदार एंट्री की है और उनके बारे में सब लोग क्या बात करते हैं, क्या कमेंट करते हैं, वो सब अभी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अनिल कपूर ने भी इन लोगों का बहुत मजाक उड़ाया है इसमें और इसमें अरमान मलिक है वो बोल रहे हैं कि मैं पायल के साथ ही रहूंगा, उसको पायल बहुत पसंद है और वो रोमांटिक भी लग रही है, जब कृतिका अभी दूसरी वाइफ है वो उसको भी नहीं लग रही है। और अनिल कपूर ने उनको अरमान मलिक को पूछा कि आप 2 बीबी कैसे खुश रख सकते हैं, हम लोग तो 1 बीबी भी खुश नहीं रख सकते और आप 2 को लेके यहाँ पे पहुँच गए हैं। ऐसे अरमान मलिक का मजाक भी उड़ाया गया है फेस बिग बॉस में और सब मजाक में ऐसे भी बोल रहे हैं कि अरमान मलिक 7 दिन में बीबी डबल करता है, क्योंकि उन्होंने पायल मलिक के साथ भी 7 दिन में शादी कर ली थी और कृतिका मलिक के साथ भी 7 दिन में ही शादी कर ली थी, इसलिए सब इनको बोलते हैं इसके 7 दिन में ये बीबी डबल करते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे कैसे पहुँच गए और इन दोनों में से पायल मलिक बोलती है कि कृतिका ने मेरे साथ चीट की है और अभी अरमान मलिक है उसको पायल रोमांटिक लग रही है और कृतिका को छोड़ने के लिए वो सोच रहे हैं। और इन कंटेंट्स में 16 लोग जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन कहाँ से, वैसे मैं अभी आपको सबकी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। तो सबसे पहले तो इस कंटेंट्स में बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित का जुड़ी हुई है और वो दिल्ली से है और उसको फर्स्ट कॉन्टेंट ऑफ बिग बॉस है। दूसरा कॉन्टेंट है रणवीर शोरा जो एक एक्टर है, वो बहुत सारे मूवी में काम किया लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए वो नहीं चले थे तो उन्होंने दूसरा कंटेंट एक्सेप्ट किया हुआ है। और तीसरा है अभी शिवानी कुमारी जो अभी सोशल मीडिया से वायरल उनका वीडियो हुआ था और वैसे वो फेमस हुई है और यहाँ पे बिग बॉस में भी वो पहुँच गई है। और चौथा कंटेंट सना खान जो एक टीवी एक्ट्रेस है, वो बहुत सारी खतरों के खिलाड़ी 11 में भी उन्होंने काम किया है और कई सारे सीरियल में भी ये काम करती है। फिर है साई खान राव जो कि ये भी एक टीवी एक्टर है और ये भी टीवी एक्टर है, वो बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। फिर है पोलमी, ये भी एक टीवी एक्टर और सीरियल में काम करती है, दिल है बारिश और 96 में इनका मॉड काम किया है। फिर विशाल पांडे जो 9 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम में ग्राम में है और सोशल मीडिया से ही फेमस हुए है। फिर अभी सना सुलझा ये भी एक सोशल मीडिया से ही फेमस हुई है और ये अभी ब्लॉगर है। फिर मेजी ये भी एक रणवीर सिंह मूवी में इन्होंने काम किया हुआ है। फिर लोवेश कतारिया ये भी सोशल मीडिया से फेमस हुए हैं। फिर अभी बारी आती है पायल मलिक की जो ये भी यूट्यूबर है और ये भी अरमान मलिक की पहली वाइफ है
और ये भी सोशल मीडिया से ही वायरल हुआ है इनका वीडियो और फेमस हुआ है। और ये है अरमान मलिक, जिन्होंने दो बीबियों के कारण वो जल्दी से फेमस हो गए। और ये भी एक यूट्यूबर है और ये व्लॉग भी बनाते हैं, उनको बहुत सारे चैनल भी है। ये उनकी दूसरी वाइफ है कृतिका मलिक, जो अरमान मलिक की सेकेंड वाइफ है। उनका भी एक बच्चा भी है जिसका नाम है जायद। और ये दूसरी वाइफ है अरमान मलिक की। फिर नीरज गोयात, ये भी एक बॉक्सर है और इन्होंने भी कंटेंट ज्वाइन किया है। मनीषा कतरवानी, ये भी एक क्रॉड का डायरेक्टर है और बिग बॉलीवुड से। और दीपक जी, ये भी एक न्यूज़ में काम करने वाले हैं। और थैंक यू गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अभी मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइस एवरीवन, टेक केयर। अब मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के आपको बाय बाय।